अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंडी शाहपुर कांजर में मौजूद हूँ और आज हम करेंगे बात जिस तरह व्यापारी व्यापारी से बात करता है और उसके कान में करेंगे खुसर फुसर ताकि वीडियो की जो पोशीदा चीज़ें हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करें। आवाज़ ज़रा कम आएगी लेकिन इंजॉय कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको हकायक से करीब तर आपको दिखा सकूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिखा जानवर, दिखा ज़रा जानवर, दिखा ज़रा एक अस्सी तो कम नहीं होगा जी। नाज़रीन वो कहता है कि 1,80,000 से कम नहीं दूंगा। अच्छा मेरी गल सुनो, 1,20,000 नहीं होगा जी। ढूंढ देना कि नहीं देना? देने वास्ते लेके आए जी। खराबना दंद किन्ने ने? चौ का दंद एक काट लिया। कट दंदे ने कट हूँ खोल ये उसने काट लिया, ये नहीं कट लिया। तो 1,80,000 मांगना? 2,20,000 मांग रहा था आप। 1,80,000 मांगना जी। आप हमें देख रहे हैं कि 1,80,000 रुपये का है कि नहीं? ठीक है, पूछ लेगी पूछ लेगी पूछो जी। क्या नाम, क्या खान भाई आप? मेरा नाम जी मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज। मेरा नाम रब नवाज जी। आपका नाम मोहम्मद नवाज? इधर आए, इधर आए। आप जानवर खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं जी? सर कितने खरीदे हैं आप तक? अभी तक 3 जानवर खरीदे हमने। 3 खरीदे कुर्बानी के लिए? कुर्बानी के लिए। कितने कितने का खरीदा आपने? डिफरेंट रेट है इनके, कोई 80 का है, कोई लाख का है, कोई 120 का है। ठीक है, सियालकोट से आए हम लोग। माशाल्लाह, तो 3 आपने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिए? 3 लिए। ये आप जानवर खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं? ये नहीं, ये कलर उधर जो है ना फेवरेट नहीं है। फेवरेट नहीं है, ठीक हो गया। ये आपके जहन में, क्योंकि आप खरीदने वाले हैं, जो आवाम की आवाज़ होती है ना वो ठीक होती है? ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये जानवर 1,80,000 रुपए का है? नथिंग नेवर जी, 1,30,000 या 1,40,000। यानी 1,20,000 से ऊपर नहीं? 30 या 40 से अबव नहीं है। अबव नहीं है? नहीं। आप क्या समझते हैं कि अगर 1,80,000 रुपये ये मांग रहा है तो गलत मांग रहा है? ये मंडी है सर, ये पैसे ज़्यादा मांगते हैं। जो बेचने वाला होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा रेट लूँ, और जो खरीदने वाला होता है वो कहता है मुझे कम दाम में। कितनी देर हो गई आपको ये जानवर यहाँ पर खड़े किए हुए? तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हो गया। कोई गाहक लगा? बड़े लगे हैं। बिका क्यों है? बारे में नहीं आ रहा। बारे में नहीं आ रहा जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रेट इतना ज़्यादा अप है जिसकी वजह से ये बिक नहीं रहा? नहीं, ये बात भी नहीं। अगर फ़र्ज़ किया कि 1,20,000 का या 30 का या 35 का आप रेट लगा दें तो क्या आप समझते हैं कि जल्दी बिक जाएगा? क्यों जी ये बात? अगर 20 या 25 इसका रेट मुनासिब? मैं सर आपको बताता हूँ, बेसिकल जो पिछले साल था ना वो डॉलर की कीमत 120 थी, अब 155 है। तो आप खुद ही समझदार हैं, रेट तो खुद ब खुद बढ़ेंगे, मार्केट में बढ़ेंगे। लेकिन क्या अगर रेट बढ़ते हैं तो फिर ग्राहक जो होता है वो उतना रेट क्यों नहीं देता? ये बात अगर आप समझ रहे हैं कि डॉलर की कीमत अप हो गई है तो फिर ये तो फिर जायज़ मांग रहा है, ये तो फिर ठीक मांग रहा है? जायज़ नहीं मांग रहा, अभी टाइम बहुत है ईद में। या आप या ग्राहक इतना पैसा देना नहीं चाहता, उसका ये है कि डॉलर बढ़ गया तो बढ़ गया लेकिन मैं उतने में लूँगा जितने का जानवर मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। ये जो है ना अभी 50 दिन ईद में पड़े हैं, जो कस्टमर को जानवर पसंद आता है ना उसका 5 या 10,000 वो ज़्यादा भी दे देते हैं तो कोई बात नहीं होती। यानी आपकी नज़र में ये 1,30,000 तक है? 40 तक है। 40 से 1,40,000 जी। लो जी 1,40,000 दे तेरा बच्चा लोगों की नज़र के हूँ। तेरी चीज़ है, तू खरीदया, तू पालिया, तू इन्हें तो लागत भी की, हम तेन पता तू देना या नहीं देना। नाज़रीन
तू शकर गंजी उथे ही रख तू मैनू नहीं देना इन्हें नहीं देना जी जिन्हें मर्जी नवाज़ मैं एक लाख नब्बे हजार के बाबा कह रहा है, नब्बे नब्बे हजार रुपए का कह रहा है। तो ये देखे माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, बाबे से और भी बात करते हैं, मेरा ख्याल है इसका रेट और भी ज्यादा कम होगा माशाल्लाह। बाबा जी मुझे पूरी मंडी में काफ़ी रीज़नेबल बाबा जी लग रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये जानवर जो है ये नब्बे नब्बे हज़ार रुपये मांग रहा है, इससे जो कम है वो कितने के हो जाएंगे बाबा जी? सत्तर सत्तर या अस्सी अस्सी हो जाएगा? नहीं, अस्सी अस्सी पूरा नब्बे नब्बे हज़ार नब्बे नब्बे क्यों नहीं बड़े रुपये मंगे पेट नहीं भरना ठीक है। हाँ तो ये दाने दोनों दोनों ने साहिवाल नसल दे तो कमी पेशी हो जाएगी तो थोड़ी कमी पेशी जितनी मर्जी हूँ कर लो पाँच सारे ही कर लो और तेरे को थोड़ा जहा परा कर लिया थोड़ा जहा परा कर लिया अगे वो गर्म है बेचारे। अच्छा कमी पेशी अंदर काटनी हो मैं ना भी थोड़ी मर्जी की गल है जी कर लो जाओ कर लो जाओ कर लो। लो जी नाजरीन नंबर तो नंबर मोबाइल का मैनू नहीं चेता तुम्हें बिचों कट नंबर कट लवो मेनू नहीं पता नंबर कट बाबा तू तो माशाल्लाह एवं देंदा पै बा। लो जी नाजरीन ये हमारे चैनल की बेस्ट वीडियो है और बाबा जी जो हैं ये अस्सी अस्सी हज़ार रुपए के अस्सी अस्सी हज़ार रुपए के ये दो जोड़े दे रहे हैं। मैं कदम ये अस्सी अस्सी हज़ार रुपए के ये दो बछड़े आप ये दे रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बछड़े हैं और इनका जो है ना वो रेट मुनासिब है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बाबा जी से आप रब्ता कर सकते हैं और इनसे वो ये ले सकते हैं। बाबा जी इसके अलावा भी आपके पास जानवर है या यही हैं दो बस? नहीं और भी है ना ठीक है। थोड़ा नाम की है मौनशा जी ते तुसी इत्थे पक्के पक्के इत्थे मंडी च होवोगे पक्के जी पक्के यानी एस एस कद दा इन्नी उम्र दा इन्ने के दे विच जिहड़ी तुहाडी मेरी गल होई है इन्ने दे विच दो वाधू ने ओ ते यानी इस लेवल दे जने जानवर ने इन्ने के दोंदे दोंदे दोंदे। लो जी ये बाबा जी का नंबर है 0301 41 47 8 0306 41 47 807 इसका नंबर है। तो ये बाबा जी ने मोबाइल ही दे दिया है ये नंबर की आप दे सकते हैं। वो खलो जाए सानू आपका काम तो कर लैन दे तुहानू आपदी पई है। हाँ ये मोबाइल नंबर इसका आ गया बाबा जी का जी। कितने बच्चे खड़े हैं? सात आठ खिलौते हैं। सात आठ बच्चे खड़े हैं जी सारे बड़े यानी ए लेवल का बच्चा जो अगर पूछा जाए ना तो एक लाख दस पंद्रह भी मंगते हैं अस्सी हज़ार का कोई भी नहीं देता इस तरह ठीक है। ये तो तेरी मैं तो बेचना तो नहीं बस अल्लाह ताला तेरा भला करे ये बराबर होते ने खर्चा होते तो मैं कह चलो जो गल करन नाजरीन ये बाबा जी का नंबर भी आपके पास आ गया है और ये आप देख रहे हैं जल्दी करें जितनी भी जल्दी हो सकता है आप जल्दी से जल्दी करें बाबा जी के पास और भी जानवर हैं इनसे फ़ायदा उठाएं और अस्सी अस्सी हज़ार रुपये का बाबा जी से आप बच्चा जो है ना वो ले लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये बाबा जी का फेस आप देख लें नंबर ट्राई करके इनसे फ़ोन पर रब्ता कर लें। आप जहाँ पर भी हैं कहीं पर भी हैं आप जानवर लेना चाहते हैं तो इनसे रब्ता करें आपको अच्छे कुर्बानी के लिए सस्ते जानवर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। इजाज़त चाहता हूँ नई वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।
की करता पे कुछ नहीं चक बाटला अच्छा यखड़े वाली यखड़े में क्यों है।